नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस, आपको गिवन चार स्टेटमेंट में से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आपको एक फ्रेज के बारे में पता होना चाहिए, जो कि आपका फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू फ्रेज का मतलब होता है व्हेन यू आर ईगरली वेटिंग फॉर समथिंग, जब आप बेसब्री से किसी चीज का इंतजार करते हैं, जब आप किसी चीज की उम्मीद रखते हैं, आशा रखते हैं, तो उस फ्रेज को इंग्लिश में बताने के लिए हम यूज करते हैं लुक फॉरवर्ड टू, क्लियर है। और देखिए इस लुक फॉरवर्ड टू को कुछ यूज करने के कुछ रूल एंड रेगुलेशन इंग्लिश ग्रामर में, जैसे कि देखिए अगर मैं यहां पे लिखता हूं लुक फॉरवर्ड टू, ठीक है, यहां तक फ्रेज, इसका मैंने आपको मीनिंग अभी बताया, ओके। अब इस लुक फॉरवर्ड टू को जब भी इसके बाद देखिए क्या होगा, जब भी इस लुक फॉरवर्ड टू के बाद आपका यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, सो मेक श्योर अगर यहां पे कोई नाउन है तब तो ठीक है, लेकिन मान लो वो वर्ब आपकी जो नाउन है वो किसी एक्शन को दिखा रही है, तो दैट मेक श्योर ये जो आपकी नाउन है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी वाली होनी चाहिए, यानी कि यहां पर कौन सा स्ट्रक्चर आपका यूज होगा वर्ब का, जीरेंड वाला, कौन सा, जीरेंड वाला, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो लुक फॉरवर्ड टू के अलावा देखिए, इस लुक फॉरवर्ड टू के अलावा ऐसे कौन कौन से ऐसे फ्रेज है जो टू के बाद क्या करेंगे, आईएनजी वाली फॉर्म लेंगे या फिर आपका जीरेंड के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, तो वो है हमारे पास यूज टू, एक्स्टम टू, एवर्स टू, एजब आपका ऑब्जेक्ट टू, गिवन टू, प्रोन टू, एडिशन टू एंड एडिक्टेड टू। इन सभी फ्रेज के बाद आपका क्या आना चाहिए, हमेशा ही वर्ब की फोर्थ फॉर्म आनी चाहिए। आप गिवन एग्जाम्पल में यहाँ पे देख सकते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल है तरुण इज गिवन टू स्मोकिंग, यानी कि तरुण जो है वो आदि है किसका, स्मोकिंग का, तो यहाँ पे गिवन टू आया और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि जीएनडी का इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट देंगे पूजा इज प्रोन टू गेटिंग लास्ट एवरी आपका एवरी डे, तो इस संदेश में भी देखिए प्रोन टू के बाद क्या है आपका, गेटिंग आया, ये भी क्या आपका जीरेंड का स्ट्रक्चर है। अब इस बेस पे आप मुझे बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे सभी लोगों के साथ शेयर करें, धन्यवाद।